भैया, मैं हूं निकिता सरपुरिया चंदन डे के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। क्या नाम है? विधानसभा चुनाव 2024 पर और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पहले से रही है, वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया गया है बीएसएफ लोगों के साथ। थोड़ा सर, कहाँ कहाँ कौन कौन इलाके में ये किया जा रहा है? अभी हम लोग स्टार्ट किए तमड़िया से, तमड़िया स्कूल, फिर गांधी बस स्कूल, फिर धोनी प्रिपरेटरी स्कूल, फिर उच्च विद्यालय नेल्डी ईस्ट और गिट्टी मशीन स्कूल, और फिर आपका गुड़िया मैदान स्कूल है, वहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। थोड़े सर, यहाँ पे कितने बीएसएफ के कितने जवान तैनात किए गए हैं अभी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के अभी जो मिला है हमको, एक कंपनी मिला हुआ है, ट्रकमास किया जा रहा है। आगे का कार्यक्रम क्या है? मैं थरामपुरी शिक्षा नगर लोगों से अपील करना चाहूँगा, मताधिकार जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है लोगों का, मत का अधिकार। लोग 13 तारीख को अपने घरों से निकलें और अपने मत का उपयोग करें, और संसद में पूरी तरह से मुस्या था, चप्पे चप्पे मुस्या था, किसी पर कोई समस्या नहीं आएगी, अपना मत का उपयोग करें। आज जो ये फ्लैग मार्चिंग हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों में जो भी डर का माहौल अगर होगा थोड़ा बहुत, जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति होंगे, जो डराने धमकाने का प्रयास करेंगे, वो अभी भी समय है, अलर्ट हो जाए, नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे वो। आपका परिचय बताएं। मैं थाना प्रभारी विशाल नगर, मेरे कौन पंडित। इस कार्यक्रम के पर्पस क्या है एक्चुअली? आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये विशानगर थाना के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि आम जनता में कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, वो निष्पक्ष रूप से भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान कर सके। आपका परिचय सर? मैं सिटी डी एस पी सुनील कुमार चौधरी। चलो सर, बताएं आज यहाँ क्या हो रहा है? झारखंड राज्य विधानसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निरपेक्ष मतदान कराने हेतु, ताकि अधिकतम लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो, जो भी व्यस्त मताधिकार हैं वे अपने मतों का प्रयोग निर्भीक होकर शांतिपूर्ण तरीके से करें, इसी उद्देश्य से। सर बूढ़ा हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह